वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग इवनिंग टाइम से। तो शाम के बज चुके हैं 5:30, और जैसे कि आजकल हम लोगों ने अपना रूटीन बना रखा है कि हम जाएंगे वॉक करने के लिए। तो वॉक करने से पहले मैं सोची थी कि उन्हें सब्जी डाल के जाऊँ, उसके बाद ही हम जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता ना, उसके बाद आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लो या चाय पानी कुछ भी पी लो तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, वरना भी ना अथर्व सो जाता है। तो सब्जी में आज हम बना रहे हैं अरबी, जो बड़ी वाली अरबी होती है ना उसकी सब्ज़ी, हमारी भाषा में बोलते हैं गडेरी, और पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं इतना मुझे नहीं पता। तो आज हम बनाएंगे गडेरी की सब्ज़ी, और आप सभी लोगों ने शायद कुमाऊँ तो खाई होगी उसमें भांग डाल के। तो आज हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे भांग डाल के। एक्चुअल में क्या है ना कि भांग का नाम सुन के बहुत लोग तो डर जाते हैं कि ये लोग कैसे भांग खाते हैं, भांग लगता नहीं है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि भांग एक नशा होता है करके, बट ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो भांग यूज़ करते हैं वो सूखी भांग होती है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आज हम बना रहे हैं गडेरी की सब्ज़ी, और उस सब्ज़ी में हम मिलाएंगे भांग, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं और खाने में कितनी टेस्टी होती है। तो सबसे पहले चलते हैं गडेरी को छीलते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। ओके, करते हैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मेरी बड़ी वाली अरबी है ना, मैं उसको अच्छे से छिल लूँगी, और हमारे यहाँ ना इसको ना आसी से या फिर दराची से छिलते हैं, और क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, बट अभी मेरे पास ना नहीं है तो मैं बड़ी वाली चाकू से छिलूँगी, क्योंकि ना थोड़े से इसके जो छिक्कल होते हैं वो हार्ड होते हैं छिलने में। एंड छिलने के बाद ना मैं इसको वॉश नहीं करूँगी, वॉश में इसको काटने के बाद ही करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना इसमें थोड़ा सा, अगर इसको वॉश करते हैं हम हाथों से ना, हाथों में हल्की सी खुजली हो जाती है, तो तभी मुझे थोड़ी सी डर लगती है। तो मैं इसको पहले काट लूँगी, फिर अच्छे से वॉश कर लूँगी, और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काट रही हूँ। मैं बस हल्का सा काट करके फिर उसको ऐसे तोड़ लूँ ताकि सब्ज़ी अच्छी बने और जल्दी पके, और उसके बाद इसको वॉश करने के बाद इसको मैं रख लूँगी। देन उसके बाद मैं डालती हूँ गैस में थोड़ा सा तेल, और रखूँगी कुकर। कुकर में पकाने से क्या होगा ना कि एक दो सीटी में ये पक जाएगा, वरना गैस उसमें कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो बगल में देखिए मैं ऑनियन को चॉप कर रही हूँ, एंड इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते, और ये है मेरे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, और सारी की सारी अरबी मैंने कट करके वॉश करके रख ली जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। अब स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। तो सबसे पहले मैंने उसमें डाला हल्का सा जीरा, और जीरा ऐड करने के बाद मैंने डाला उसमें ऑनियन चॉप करा हुआ, देन उसके बाद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि मेरा वीडियो चल रहा है, बट मेरा ना वीडियो शूट नहीं हो रहा था, मैं ऑन का बटन दबाना भूल गई थी, तो इसलिए मेरा वीडियो आएगा स्किप हो गया। तो उसके बाद सारे रेगुलर मसाले मैंने इसमें डाले थे, और रेगुलर मसाले डालने के बाद मैंने इसमें डाला सारी की सारी अरबी, और अरबी में को थोड़ी देर भून लिया, और भूनने के बाद देखिए इसमें डाल दिया पानी और कुकर को कर दिया लॉक। मैंने गैस पर चढ़ा ली है, और सब्जी चढ़ाते चढ़ाते मैंने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी, ये रही। एक्चुअल में क्या है ना, ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, बट मैं लिप्टन की ग्रीन टी पसंद करती हूँ, लेकिन सिरोलॉजी ये लेके आ गए थे तो अब ख़त्म तो करनी है, तो मैं इसी को पी लेती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैंने बोला था उनको कि लिप्टन की ग्रीन टी लेके आना, क्योंकि मैं सोची थी कि ग्रीन टी पीने के बाद ही हम वॉक करने के लिए जाएंगे। एंड हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज अरबी की सब्ज़ी में मिलाऊँगी भांग, बट अभी नहीं मिलाया क्योंकि मैं सब्ज़ी को पकने दूंगी, देन उसके बाद जाके बस मैं भांग मिलाऊंगी। उससे क्या होता है, सब्ज़ी पकने के बाद भांग मिलाने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, वरना पकते टाइम उतना टेस्ट नहीं आता। और एक्चुअली हमको भांग भी नहीं मिलाना, सिर्फ भांग को पीस के जो भांग का पानी निकलता है ना वाइट कलर का, लाइक दूध की तरह दिखाई देता है वो दिखने में, उसको डालना पड़ता है ताकि सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी और एकदम टेस्टी बन जाए। तो उसको मैं करूँगी बाद में जब मेरी सब्ज़ी पक जाएगी। एंड अभी मैं पीती हूँ ग्रीन टी, और ग्रीन टी पीने के बाद रेडी होती हूँ वॉक करने के लिए, और वहाँ के आने के बाद ही मैं सोचूँ कि उसमें भांग मिलाऊँ, क्योंकि टाइम कम है, 6 बजे का हमने शेड्यूल बना रखा है कि हम 6 बजे जाएंगे, अभी 6 बजने ही वाला, 10 मिनट बचे हुए। तो तब तक मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ और उसके बाद रेडी होती हूँ। हाँ, बहुत तो ग्रीन टी में मतलब शहद डाल के या लेमन डाल के पीते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे ना लेमन पसंद है ना शहद पसंद है, तो मैं सिर्फ ग्रीन टी वो भी बॉयल वाटर में डालती हूँ, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ना टेस्ट ही नहीं आता। कोई शहद डालता ना, मुझे शहद से तो बहुत गंदी स्मेल आती है, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पीती। और नींबू कभी कभार पी लेती हूँ, बट उतना नहीं। तो मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ, बातें तो आगे होते रहेंगी, और अब आपको मिलते हैं सीधे वॉक करने के बाद। बाय बाय। आ चुके हैं हम वॉक करके, और वॉक करके आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ सब्ज़ी में भांग डालना। तो देखिए वो सब मेरा भांग था जो भी प्लेट में था, और उसके बाद मैं इसमें हल्का सा पानी डाल लूँगी, और फिर उसके बाद मिक्सी के जार को ऑन करके इसको हल्का सा चला लूँगी।
पहले हल्का सा चलाऊंगी, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये एकदम पिसा है या नहीं। अगर ये अच्छे से नहीं पिसा होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी, देखिए मैं कर रही हूँ, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से पिस लूँगी। एक्चुअल में क्या होता है कि भांग को, जो भांग का छिक्कल होता है ना, वो यूज़ नहीं करते, बस भांग के अंदर का जो होता है उसको यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने दोबारा उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और दूसरी बात कहते हैं, मैंने माइक यूज़ किया था बट उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, आवाज़ एकदम बंद हो गई और नहीं आई। तो देखिए मेरा सारा का सारा भांग पिस चुका है। अब मैं क्या करूँगी, एक छन्नी लूँगी और छन्नी की सहायता से इसको इसमें डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैं छन्नी को रखूँगी, क्योंकि ना जो छिक्कल होते हैं, छिक्कल नहीं डालते, सिर्फ जो भांग का जो पानी है वही इसमें ऐड करते हैं। तो जितनी भी भांग थी मैंने सारी की सारी इसमें ऐड कर लिया, और उसको अच्छे से हिला लूँगी चम्मच से, ताकि इसका जितना ही बचा हुआ पानी है सब का सब निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा का सारा भांग का जितना ही पानी था सब निकाल दिया। अब मैं इसको हल्का सा हिलाऊँगी, और हिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ना पानी और ऐड कर। तो ये देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है, और अब मैं इसमें गार्निश के लिए करती हूँ हरा धनिया, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी और ढक के रख लूँगी जब रोटी बनेगी, तो फिर उसके बाद खाएंगे और फिर बताऊँगी कि घर में सबको कैसी लगी सब्जी। तो अभी थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद रोटी बनाते हैं, और मिलते हैं आपको बाद में। ये है हमारा आरओ प्लांट, तो हम यहीं से भरते हैं रोज़ पानी। तो हम आ चुके थे डिनर करने के बाद यहाँ पानी भरने के लिए। सिरोला जी लाए थे बड़े वाला 2 जार, और मैं ना छोटा सा जार लेके आई थी। तो मेरा जार बहुत जल्दी भर चुका था, तो मैं आगे आगे चलने लगी, और सिरोला जी के 2 डब्बे बड़े वाले थे तो उनको भरने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो वो मेरे पीछे आ रहे थे अपने जार को भरने के बाद, और मैं उनका वेट कर रही थी नीचे रोड में। चुका है हमारा डिनर, और डिनर करने के बाद हम अभी आए हैं पानी भरने के लिए। तो देखो सिरोला जी आ रहे हैं, और मैं ना बहुत छोटा सा जार लेके आई हूँ, 5 लीटर का जार, मैं उसको लेके जाऊंगी, और ये बड़े बड़े 2 जार लेके आएंगे। ये थक चुके हैं। तो खाना हमारा बहुत अच्छा रहा, सब्जी भी बहुत टेस्टी थी, और अथर्व सो चुका था खाना खाने के बाद। तो अब पानी भरने के बाद चलते हैं सीधे ऊपर, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और ये देखिए आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में चने बॉईल करके। तो चने मैंने कल रात को ही बॉईल कर लिए थे, क्योंकि सिरोला जी का कहना था कि बहुत दिन से हमने बॉईल चीज़ नहीं खा रखी, तो मैंने चने बॉईल कर लिए थे ताकि मैं चने चटपट बना के आज हम ब्रेकफास्ट में वही खाएंगे। तो उसके बाद क्या था, रात को सारे बर्तन वॉश कर रखे थे, बट बर्तन ऑर्गेनाइज नहीं कर रखे थे। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी हम गीले बर्तन को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे पानी टपकता रहता है, जिससे क्या होता है जो बर्तन स्टैंड होता है वो गंदा भी हो जाता है, उसमें जंग भी लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, रात को बर्तन धोते हैं और सुबह उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरी साइड देखिए मैंने केटल में पानी भर लिया है उसको गर्म करने को, ताकि सुबह उठकर थोड़ा सा गर्म पानी भी पिया जाए। और उसके बाद सिरोला जी लेके आए थे कल थोड़ी बहुत सब्जी, ज़्यादा नहीं, उन सब्जियों को भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखी हुई थी, और उनको भी फटाफट से मैंने फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। बस ये था कि सुबह उठ के थोड़ा बहुत ये काम हो जाता है तो काफ़ी राहत मिल जाती है। एंड उसके बाद क्या हुआ था कि आज आटा नहीं था ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि लगभग आज रात को हम लोग ना मड़वे की रोटी ही बना रहे थे, तो आज ही सुबह पराठे लेके जाएगा स्कूल के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम लगता है अगर आटा ना गूंदा हो तो। तो फिर मैंने उठते ही पहले आटा गूंदना स्टार्ट कर लिया था। तो अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, और आटे में ना मैंने आज थोड़ा बहुत सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक मिर्ची मसाला मिलाया, ताकि थोड़ा सा नमकीन टाइप का पराठा भी बन जाए वो। तो आटा गूंदने के बाद मैं घर का जो और मेरा बचा खुचा काम है वो कर लूँगी। तो देखिए अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, और इस साइड पर आपको दिख रहा होगा ना मेरा जो डोर है, डोर के पीछे ना मैंने एक कील लगा रखी है, और इस कील में मैंने बहुत सारी पन्नियाँ रखी हुई हैं, तो आपको ये पन्नियाँ ही दिखाई दे रही होंगी। देन उसके बाद चलते हैं फर्स्ट रूम पे, और मैंने अपना कप वहीं पे रख दिया था, आदि का बैग भी स्कूल का वहीं पे पड़ा हुआ था, तो मैं सारा उसका बैग एक सही ढंग से रख रही थी। देन उसके बाद मैंने नीचे के सारे भी डोरमेट्स एंड कारपेट्स उठा लिए थे, ताकि उसके बाद मैं झाड़ू मार सकूँ। एंड सारे के सारे कारपेट्स उठा के मैं बाहर डालने के लिए चली गई। तो अभी ना अंधेरा ही था, उतना उजाला नहीं था, और सिरोला जी भी आ चुके हैं रनिंग करके, देखे वो जस्ट निकल ही रहे थे। और पता है आज ही मैंने ना मतलब थोड़ा जल्दी काम हुआ करके कारपेट वारपेट सब उठा दिए थे, और आ रही उन्होंने ना एक्सरसाइज स्टार्ट करी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हमारी हल्दी ख़त्म हो चुकी थी। एक्चुअल में क्या है ना, जो ये हमारा हल्दी है ये हमारे गांव की ही हल्दी है। लगभग जब से भी मैं मतलब घर से बाहर गई, मतलब मैं देहरादून रही 3-4 साल, उसके बाद मैं यहाँ आई, मैंने आज तक कभी हल्दी नहीं खरीदी, क्योंकि हमेशा हल्दी हमारे घर से ही आती थी। मम्मी हल्दी बो रखी थी, तो मम्मी हमेशा हल्दी ऐसे बर्तनों में देती थी, और साफ मतलब बोला जाता था कि हल्दी को
तुम अलग डब्बे में रखना, और जो यूज़ करना उसको अलग डब्बे में रखना, और जो उसके बाद जो डेली यूज़ करना उसको अलग डब्बे में रखना। तो मैंने ऐसा ही किया हुआ था, क्योंकि हल्दी सालों तक भी रखो तो हल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने क्या किया था, जो बड़ा डब्बे में हल्दी थी उसको एकदम से निकाल के फिर उसको बंद कर लिया, उसके बाद थोड़ा छोटे डाल डब्बे में डाला, और उसके बाद डाला था मैंने जिसमें हम डेली यूज़ करते हैं उसमें। इससे क्या होता ना कि हल्दी मतलब अभी से अगर 2-4 साल और भी चले गए तो ये हल्दी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ऊपर से घर की हल्दी एकदम शुद्ध हल्दी है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। तो हल्दी का काम भी मेरा हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, सरोला जी आ गए। तो सरोला जी बोलने लगे कि चलो तुम मेरे पाँव में खड़े हो जाओ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं पाँव में ऐसे खड़ी हुई ना, उनका पाँव दब गया। तो पहले तो मैंने डांट खाई, देन उसके बाद फिर उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी अपनी, और अब उठ चुके हैं अथर्व और आदि दोनों के दोनों। और उठने के बाद सबसे पहले देखो मैंने इनको पिलाया दूध, क्योंकि ये दोनों को दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा दूध पिलो और उसके बाद तुम जाओ फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में। और अब हम आज बनाते हैं चने चटपट, क्योंकि मेरे चने बॉयल हो चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले ना मैंने चने को अच्छे से छान लिया, जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि आदि के स्कूल के लिए ही बनाना था। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए रखा और थोड़ा बहुत सब्जी के लिए रख लिया था। तो चने चटपट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ऑनियन को चॉप कर लूँगी। और ना जब भी चने चटपट की बात सोचो तो वही दिन याद आते हैं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। 5 रुपये का 10 रुपये का एक पैकेट में थोड़ा सा चने चटपट मिलते थे, हम लोग ना मतलब बहुत खाते थे। और उसको अगर हमने देख लिया ना तो हम घेरे लगा के बैठ जाएंगे उसके चारों तरफ, और बस भैया एक प्लेट और भैया एक प्लेट करते करते हम शायद कितने 100 रुपये तक खा जाते थे। पर वो टाइम भी बहुत अच्छा था, हम कितना भी खाएं मतलब फ्रेंड्स के साथ ना हर चीज़ अच्छा लगता है। तो वही था, और घर पे आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तो उस टाइप का बनता ही नहीं है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा खीरे को कट कर लिया था, ऑनियन चॉप करके वहाँ पर रखा था, फिर उसके बाद खीरे को किया। एंड उसके बाद मैं हल्का सा हाफ टमाटो को चॉप कर लूँगी, क्योंकि टमाटो भी अच्छा होता है इसमें। ये सब हमने भी बस उन्हीं भैया से सीखा था, भैया ना वहीं पे काटते थे और वहीं पे खिलाते थे हमको। तो मेरा टमाटो भी कट हो चुका है। देन उसके बाद सरोला जी मिर्ची पसंद करते हैं तो मैं ग्रीन चिली को कट कर लूँगी। और अब तो बहुत इजी उपाय है कि मैं हमेशा कैंची से कट करती हूँ, जिससे मुझे ना हाथ में मिर्ची लगने का बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और देखिए मिर्ची भी मेरी यहाँ पर आराम से कट हो चुकी है। देन उसके बाद अब मैं लूँगी एक डोंगा, और डोंगे में डालूँगी सारे के सारे जितने भी चने थे। और हाँ, जब मैंने चने बॉईल किए थे ना उसमें मैंने नमक डाल दिया था। देन उसके बाद जितना मैंने कटिंग कर रखी वेजिटेबल्स सारे के सारे उसमें ऐड कर लूँगी। उसमें मिक्स करूँगी नींबू खट्टे के लिए, और नींबू को ऐड करने के बाद उसमें मैं डालूँगी ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, जिससे ना फ्लेवर थोड़ा सा अलग हो जाता है और टेस्टी भी होता है। देन उसके बाद मैं इसको सेक कर लूँगी। देखिए सेक करने के बाद क्या होता है कि सबका सब आपस में मिल जाता है और बहुत ही अच्छा और यम्मी होता है। फिर मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था कि नमक हो रहा है या नहीं, नमक हल्का सा कम हो रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर लिया था, और थोड़ा सा नींबू और ऐड कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन भी कम आ रहा था। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट सरोला जी और मेरा यही था, क्योंकि थोड़ा सा अभी वेट के प्रति भी ध्यान देना है हमें अपना, तो इसलिए हमने आज ब्रेकफास्ट नॉर्मल सा किया था। देन उसके बाद फिर मुझे बनाना थे आदि के स्कूल के लिए चने। तो फिर जितने चने भी मैंने अलग से रखे हुए थे उन चनों को मैंने फटाफट से सब्जी के लिए तैयार कर लिया था। तो मैंने क्या किया कि चनों को ना कढ़ाई में ही उसमें तड़का बना लिया था, और तड़का बनाने के बाद उसमें फिर मैंने कुकर में डाला था, क्योंकि क्या था कि कुकर थोड़ा सा गीला भी था, और क्या होता ना कि चने उतने अच्छे से नहीं पके थे, मतलब पके थे बॉयल्ड थे, पर एक जो सब्जी के लिए बॉयल्ड होते हैं वैसे बॉयल्ड नहीं हो रखे। तो मैंने सोचा एक विशल और लगा दूंगी, देन उसके बाद चने आराम से अच्छे से पक भी जाएंगे और टेस्टी भी होंगे। तो मैंने उसमें ना फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ना चिकन मसाला ऐड कर रखा था, जिसमें मतलब अच्छा टेस्ट आता है उससे और फ्लेवर भी अच्छा आता है, तो वो ऐड कर लेता। और उसके बाद मैंने सब्जी को थोड़ा सा ढक्कन लगा के बंद कर देता ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। देन उसके बाद मैंने रखा था गैस में कुकर, और कुकर में मैंने जितनी मेरी ग्रेवी थी ग्रेवी को डाल दिया, देखिए मैंने सारा डाल दिया, उसमें हल्का सा ना पानी डाल दिया था, और उसके बाद उसको रख दिया बंद और लगाई एक विसल, जिससे मेरे चने एकदम रेडी हो चुके थे। फिर आदि बोलता है कि मम्मा मुझे ना आलू का पराठा खाना है। तो क्या था कि आलू मेरे पास बचे हुए थे कल दिन के आलू बचे हुए थे, तो मैंने उसको ही मैश कर लिया। आदि के लिए सिर्फ उससे ना दो ही पराठे बने, तो मैंने आदि के स्कूल के लिए उसके लिए आलू के पराठे बना दिए, और वो सब्जी हमारी वैसे ही रह गई, क्योंकि एक्चुअल में वो सब्जी आदि के स्कूल के लिए ही बन रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब हम लोग खा लेंगे। तो देखिए आदि का जो पराठा बन रहा है वो कितना अच्छा और कितना यम्मी बन रहा है, क्योंकि क्या था ना कि जब मैंने आटा गूंदा था इसमें मैंने हल्का सा हल्दी मिर्ची मसाला सब ऐड कर रखा था, तो जिससे क्या हुआ कि आटे का कलर और बनने के बाद उसका कलर बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लग रहा था। और देख सकते हैं कि मेरा पराठा कितना अच्छा बन रखा है। तो आदि को ना लगभग आलू के पराठे ही पसंद है, तो पराठा भी मेरा बन के मैंने रेडी कर लिया था। होता ही ये बच्चों के साथ दिन भर हम ऐसे ही काम पर लगे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब मतलब
मैं 5:30 बजे उठी थी, 5:30 से कब जाके 9 बज गए कुछ भी पता नहीं चला, और पराठा भी मेरा एकदम रेडी हो चुका था। तो यही होता है कि हम दिन भर अगर लगे रहें कितना भी काम कर ले पर टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जब भी हो सके हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और घर के कुछ कुछ काम को हमें ऐसे शॉर्टकट में करना चाहिए कि जिससे हमें हमारे लिए टाइम मिल जाए। तो उसके बाद आदि का लंच भी मैंने तैयार करके ना डाइनिंग टेबल में रख लिया था, तो आदि अपना लंच को बंद कर रहा है क्योंकि पराठे थोड़े से गर्म थे तो उस टाइम पे मैंने खुले ही रखे हुए थे। और उसके बाद वो उसको अपने डालेगा बैग में। बस आजकल ये है कि आदि थोड़ा बहुत काम कर लेता है जिससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है मुझे। और देखिए आदि भी हो चुका है उसके लिए रेडी। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। तो काम मेरा घर का सारा फिनिश हो चुका है, और अभी मैं जस्ट नहा के ना धूप में बैठ के आ रखी हूँ क्योंकि ना आज थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, मौसम उतना क्लियर नहीं है, बादल लगे हुए हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही, तो मैंने बोला थोड़ी देर जाती हूँ धूप में बैठती हूँ, बट ठंडा ज़्यादा लग रहा था धूप में बैठ के, तो फिर मैं अंदर आ गई। और मैं अभी अंदर अपने रूम पर बैठी हुई हूँ और मेरे बेड पर भी धूप आती है, आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद मैंने कहा क्यों ना मैं बेड पर ही बैठ जाती हूँ क्योंकि शीशे के रिफ्लेक्ट से ना हवा अंदर नहीं आएगी, बस धूप ही धूप अंदर आएगी। तो अंदर थोड़ा सा गर्मी हो रही है। और घर का काम तो सारा हो चुका था, और सिरवा जी चले गए थे ड्यूटी, आदि चला गया है स्कूल, अथर्व अभी घर पे ही है, वो कुछ दिनों बाद जाएगा स्कूल, कुछ दिनों के अब 2-4 दिन बचे हैं उसके भी। तो घर में दिन भर का जो शेड्यूल है ये हमारा ऐसा ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आज का काम सारा कंप्लीट हो गया, और हाँ अभी ना आजकल मैं कुछ एक और काम कर रही हूँ, तो जब वो मेरा काम कंप्लीट होगा मैं उसके बाद आपको बताऊँगी मैं क्या कर रही थी और वो कैसा लग रहा था, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड अभी और भी बहुत सारे काम हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है और फिर दिन का लंच की तैयारी करनी है। तो आप करते हैं घर का सारा काम जितना भी बचा है, मतलब इससे आगे वाला काम, अभी तक ब्रेकफास्ट करना, घर का सारा काम करना, नहाना धोना सब कुछ हो चुका। तो काम करते हैं और मिलते हैं आपको बाद में, और इसी तरीके से आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। एंड हाँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।